नमस्कार। सात्विक आहार कार्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सात्विक आहार वही है जो स्वच्छता से बनाया जाए, स्वच्छता से परोसा जाए और स्वच्छता से खाया जाए। मनुष्य समस्त प्राणियों में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो सुसभ्य है, सुसंस्कृत है। वो अपने भोजन पर भी पूरा पूरा ध्यान देता है और इसीलिए उसे समस्त प्राणियों में अलग माना जाता है। जैसे अन्य प्राणी है, वो किसी भी वक्त, किसी भी समय, किसी भी रूप में भोजन प्राप्त कर लेते हैं, यानी वो अपने पेट को भरने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। वो अन्न को पूरी तरह से पकाता है और सुचारू तरीके से उसको परोसता है, सजाता है और फिर आराम से बैठकर उसे ग्रहण करता है। यानी भोजन को वो पूरी तरह से एक जैसे देवता के रूप में भोजन को माना जाता है ना। हमारे देश में अन्न देवता है, तो वो देवता की तरह भोजन की भी पूजा करता है और फिर इसके बाद भोग लगाने के पश्चात भोजन ग्रहण करता है। या और इस तरह से वो भोजन के लिए भी पूरी तरह पाक साफ रहे इसका ध्यान रखता है। बहुत अच्छी बात कही अभी आपने अशोक जी कि हम भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतवर्ष में अग्नि को, अन्न को देव स्थान दिया गया है और रसोई जहाँ पर हम भोजन बनाते हैं वहाँ अग्नि भी है और अन्न भी है। इसीलिए भोजन बनाने की कला को पाक विद्या कहते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे देव स्थान में जब हम प्रवेश करें तो हमारे तन, हमारे मन दोनों ही स्वच्छ हो, विकार रहित हो, निर्मल हो, हमारे मन से सभी विकार दूर हो और हमारा तन भी स्वच्छ हो, हमारे वस्त्र गंदे ना हो, हम बाहर के वस्त्र पहनकर अंदर प्रवेश ना करें, हम जूते पहनकर अंदर प्रवेश ना करें और हम स्नान करके, यथासंभव स्नान करके ही रसोई में प्रवेश करें। इसके साथ ही रसोई में स्वच्छता के लिए हम कई तरह के नैपकिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम अगर सिर्फ हाथ पोछना चाहें तो हम एक नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्तन पोछने के लिए एक अलग नैपकिन, खाना बनाते समय इस्तेमाल करने के लिए एक अलग नैपकिन। इस तरह थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हम अपने रसोई घर को स्वच्छ रख सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है। यानी जिन बर्तनों का हम प्रयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, उन बर्तनों को भी हम पाक अच्छी तरह से साफ सुथरा, यानी साफ पानी से धो तो लें, लेकिन साथ ही साथ सूखे हुए कपड़े से उसको पोंछ भी लें। हाँ, प्रयोग करने के पहले हम सूखे वस्त्र से उसको अवश्य पोंछ लें और रसोई बनाने के पहले हम स्वयं भी स्वच्छ हों, हमारे हाथ हमेशा धुले हुए हों। रसोई बनाने से पूर्व हमेशा हाथ अच्छी तरह से धो लेने चाहिए, नाखून कटे हुए होने चाहिए और किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाल सवरे हुए होने चाहिए जिसमें कोई भी बाहर की गंदगी भोजन में प्रवेश ना कर सके। यानी रसोई हमारे लिए भारतीय संस्कृति में देव स्थान माना गया है। भारतीय रसोई को तो देव स्थान होने के साथ साथ, देव स्थान है इसलिए हम वहाँ पाक साफ रहें, सफाई से प्रवेश करें, सफाई का ध्यान रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें। साथ ही साथ में वैज्ञानिक रूप में भी ये तथ्य बिल्कुल सही है कि हम भोजन के लिए खासतौर से, क्योंकि भोजन हम खाते हैं और इस तरह से अगर सफाई नहीं होगी तो अनेक तरह के विषाणु, कीटाणु हमारे पेट में भोजन के द्वारा पहुंच सकते हैं और जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो वैज्ञानिक रूप से भी ये बहुत जरूरी है कि हम रसोई में पूरी तरह से साफ सुथरा रखें, अपने आप को भी और बर्तनों को भी, भोजन को भी। और इसके अलावा देवस्थान तो है ही, इसलिए हम पूरी तरह से साफ सुथरे होकर रसोई बनाएं, इसके बाद हम साफ सुथरे होकर परोसें और साफ सुथरे होकर ही हम भोजन ग्रहण करें। जैसे कि हमारी भारतीय संस्कृति में भोजन से पूर्व भोग की प्रथा है, परंपरा है। ये भोग लगाना क्या, भोग लगाकर हम ईश्वर को भोजन सर्वप्रथम समर्पित करते हैं। इस तरह हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं
क्योंकि ईश्वर ने हमें भोजन के लिए सामग्री उपलब्ध कराई जिससे कि हमने भोजन पकाया, जो हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए तो है ही, हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। यही नहीं, जब हम रसोई में प्रवेश करते हैं भोजन बनाने से पूर्व, तब भी हमारे मन में परमात्मा का ही स्मरण ध्यान चलता रहता है। और इसके साथ ही हम जब रसोई बनाना शुरू करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना करते हुए रसोई बनाने की शुरुआत करते हैं कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीर्वाद से ये जो भोज्य सामग्री हमें प्राप्त हुई है ये भली प्रकार बन सके। इस प्रकार जो भक्ति भाव हमारे मन में, अच्छे भाव बराबर चलते रहते हैं, उनका प्रभाव हमारे भोजन पर पड़ता है और भोजन पूरी तरह से स्वादिष्ट, सात्विक और पौष्टिक बनता है। राजुल जी, इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब रसोई में हम प्रवेश करें तो उस समय वातावरण भक्तिमय हो, इसके लिए हम भक्ति संगीत भी सुन सकते हैं। बिल्कुल, हम गुनगुनाते हुए, संगीत सुनते हुए अच्छे वातावरण में, शांत उत्साहमय वातावरण में हम रसोई बनाने की शुरुआत करें तो इतने अच्छे परिणाम निकलेंगे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राजुल जी, सात्विक आहार कार्यक्रम में आज जो आप शुरुआत करने वाली हैं भोजन बनाने की, एक आहार बनाने की, एक व्यंजन पकवान बनाने की, वो कौन सा आहार है, वो कौन सा व्यंजन है, हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? आज हम बनाने जा रहे हैं सेव टमाटर की सब्जी। सेव और टमाटर की सब्जी, भाई ये तो बड़ी ही मजेदार और बड़ी ही चटपटी बनेगी। जी हाँ, ये बहुत अच्छी स्वादिष्ट सब्जी है, साथ ही बहुत कम समय में भी तैयार हो जाती है और इसमें टमाटर के सभी उपयोगी तत्व भी हमारे खाने वालों को मिल जाते हैं, ये भी इस सब्जी की विशेषता है। तो राजुल जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को सेव टमाटर की सब्जी बनाने में कौन कौन सी सामग्री उपयुक्त होती है उसकी जानकारी दे दीजिए। 6 लोगों के लिए सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए बारीक कटे 1/2 किलो टमाटर, 250 ग्राम यानी 1/4 किलो सेव, 3 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च, 1 चम्मच नींबू का रस या 1/2 चम्मच अमचूर, 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, नमक स्वादानुसार, थोड़ी सी बारीक कटी धनिया और 2 कप पानी। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए ये सामग्री आपने नोट कर ली होगी और आपने तैयारी भी शुरू कर दी होगी राजू जी के साथ सेव टमाटर की सब्जी बनाने की। तो ठीक है, अब राजू जी आपको इसको बनाने की पूरी विधि बताएंगी और आप भी साथ साथ सेव टमाटर की सब्जी बनाइए राजू जी के साथ। सेव टमाटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले बर्तन में 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। 3 चम्मच तेल आपने डाला है इसमें? जी हाँ। अब इसमें थोड़ी सी 1/4 चम्मच हींग और ये है 1/2 किलो बारीक कटे टमाटर, टमाटर डालने के बाद टमाटर को हम 2-3 मिनट अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, चौथाई चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच पिसी हुई हरी मिर्च और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिलाएंगे। और अब हम इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएंगे,
देखिए ये अच्छी तरीके से मिल गया है और अब हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद हम इसको उबालेंगे। इसको उबालने में कितना समय लगेगा? इसको उबालने में 2-3 मिनट समय लगेगा। यानी 2-3 मिनट इससे पहले आपने सारी सामग्री डाली, मिक्स किया और अब 2-3 मिनट तक ये उबलेगा। जी हाँ, उबलने के लिए इसको ढक देंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। और अब देखिए ये उबल गया है तो हम अब इसमें ये सेब डाल देंगे। और सेब डालते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत ये है कि इसको ज्यादा नहीं चलाना है, नहीं अच्छा, तो ये बिल्कुल जिससे सेब उसमें पूरी तरह गल करके वो ना बन जाए। बस थोड़ा सा 2-3 बार चला के और अब ये हमारी सब्जी सेव और टमाटर की सब्जी तैयार हो गई। जी, और अब हम इसे इस बोल में पलट लेंगे। देखा कितनी अच्छी तरह से और कितने कम समय में टमाटर और सेव की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आपने भी अपनी रसोई में ये सब्जी तैयार कर ली होगी। और अब हम इसमें ये बारीक कटी हुई धनिया थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे। तो ये हमारी सेव टमाटर की सब्जी तैयार है। तो अशोक जी, अब ये आप सेव टमाटर की सब्जी खाइए और हमें बताइए कि ये कैसी बनी है और हमारे दर्शकों को भी। तो दर्शकों, देखा आपने सेव टमाटर की सब्जी कितने कम समय में बनकर तैयार हो गई है और हमें लगता है कि आपने भी अपनी रसोई में सेव टमाटर की सब्जी तैयार कर ली होगी। तो आप भी खाइए और मैं भी इसका स्वाद लेता हूं। वाह दर्शकों, सेव टमाटर की सब्जी को आप रोटी के साथ, चावल के साथ बड़े ही मजे से खा सकते हैं। तो आज आपने सेव टमाटर की सब्जी बनाने की विधि राजू जी से जानी और अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं अगले एपिसोड में हम और कुछ व्यंजन लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए और हाँ, अपनी किचन की और अपनी साफ सफाई का ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि स्वच्छता भोजन के लिए बहुत जरूरी है। और अब हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार, नमस्कार।